बिग बॉस 16 में इस बार बिग बॉस राज कर रहे हैं। जब जब सितारे कुछ गलत करते हैं तब तब बिग बॉस इन कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हैं। बिग बॉस ने अब सितारों पर अपनी लगाम कसनी शुरू कर दी है। इस बात का सबूत बिग बॉस 16 का लेटेस्ट प्रोमो है। बिग बॉस 16 के लेटेस्ट प्रोमो में बिग बॉस घर के सभी सदस्यों की जमकर क्लास लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं बिग बॉस टीवी के सितारों की खूब लताड़ लगा रहे हैं। इस गुस्से की वजह बने हैं साजिद खान, जो कि बिग बॉस के घर में खुल्लम खुल्ला सिगरेट पीते दिखे थे। बिग बॉस 16 के बीते एपिसोड में साजिद खान ने गार्डन एरिया में सिगरेट पी थी, जिसके बाद साजिद खान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। लोगों ने साजिद खान को बिग बॉस का दामाद बताना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, लोगों ने तो मेकर्स को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी करना शुरू कर दिया था। इसी बीच बिग बॉस ने घर वालों की हालत खराब कर दी है। बिग बॉस 16 के प्रोमो में बिग बॉस सितारों की डांट लगा रहे हैं। बिग बॉस कहते नजर आए कि बिग बॉस के इतिहास में किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। इतनी देर में कुछ लोगों ने आकर स्मोकिंग रूम को बंद कर दिया। इन लोगों ने स्मोकिंग रूम पर हम बेवकूफ है लिख दिया, जिसके बाद शालीन भनोट बिग बॉस से माफी मांगते दिखे। वहीं प्रियंका चौधरी ने बिग बॉस के फैसले को सही ठहराया। इतना सब होने के बाद भी साजिद खान ने बिग बॉस से माफी नहीं मांगी। बिग बॉस 16 का प्रोमो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सितारों के चेहरे पर हड़बड़ाहट साफ देखने को मिल रही है। बिग बॉस के घर में किसी को समझ नहीं आ रहा है कि अब वो स्मोकिंग कैसे करेंगे। वहीं फैंस बिग बॉस के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि साजिद खान के साथ साथ सभी सितारों को सबक मिलना जरूरी था।